फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो एक नया टॉपिक लेकर आपको लिए उपस्थित हूँ। बीएसएससी के परिवार बीबीपीएससी को सौंप देने की चल रही है मांग। तो ऐसा बात तो स्टूडेंट में के ग्रुप में आप लोग चलाते रहते हैं कि हाँ, बीपीएससी को ही सौंप दे देना चाहिए बीएसएससी, ताकि इसमें पारदर्शिता और अधिक बढ़ सके और सारे जो काम है एग्ज़ाम कंडक्ट करने से लेकर आपके ज्वाइनिंग तक का जो है सही टाइम पे हो सके। बीएसएससी के प्रभार यदि बीपीएससी को सौंप दिया जाता है तो क्या इससे बीएसएससी की अनियमितता यानी इरेगुलरिटी है, मतलब कोई नियम कानून नहीं कब किस वैकेंसी को क्लियर करेगी, लेट लतीफ़ा रवैया वही बात है लगभग, गैर जिम्मेदाराना हरकत भी है इसका, और करप्शन की भी बात कुछ हद तक है दोस्तों। इसको झुठलाया नहीं जा सकता है, बिना प्रूफ के भी बोला जा सकता है कि कुछ हद तक करप्शन है। सभी एग्जाम में करप्शन होते हैं, लेकिन साहब इसमें तो हम मानते हैं बहुत है। तो क्या बीपीएससी को सौंप दिया जाता है बीएसएससी के एग्ज़ाम के कंडक्शन, तो आप लोगों को लगता है बेहतर कि हाँ, इससे जो बीएसएससी के आगे और भी एग्ज़ाम होंगे ही, ठीक है, और आपको सही समय पे सारा चीज़ हो जाए। तो मैं मानता हूँ दोस्तों, जो भी दोस्त हैं, जो भी हमें अरे यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, इस अभियान को, इस मुहिम को भी आप अधिक से अधिक फैलाएं और इसको बढ़ाएं, और फेसबुक हो, ट्विटर हो, यानी जितने भी सोशल साइट्स है, इस पे भी आप इसके लिए आवाज़ उठाएं, ताकि सरकार को ध्यान जाए, और यदि आंदोलन करने की ज़रूरत पड़े कि इसके लिए कि नहीं, अब बीएसएससी के, ठीक है, एग्ज़ाम का नाम बीएसएससी ही रखा जाए, बट बीपीएससी उसको कंडक्ट करवाए, सारा काम वो करे। यदि बीपीएससी के संभव में ये है, इसके अधिकार में है, तो मैं मानता हूँ कि बीपीएससी को इसको अधिग्रहण कर अपने अधिकार में लेकर एग्ज़ाम को सही तरीके से कराया जाना चाहिए। बच्चों को इस तरह से 7 साल से जो अटकाया जा रहा है, और भी जो भी काम हो रहा है, बीच बीच में आप रिजल्ट को दे रहे हैं, इतना भी टर्म एंड कंडीशन नहीं होता है कि आप बार बार रिजल्ट को ऐड करें, इधर से टेक्निकल एरर हुआ तो उधर से टेक्निकल एरर हुआ, उधर से जुड़ गया, मान लेते हैं हो सकता है उसमें आप जेन्यून के जोड़ रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की हरकत शक ही पैदा करती है कि आप करप्ट हैं, आप वैसे बच्चे को जोड़ रहे हैं जो कुछ करप्शन से जुड़े हैं, कह सकते हैं खुले तौर पर कि घुस तुस देकर जो आए हैं उससे ऐसा हुआ है। तो यदि ऐसा लगता है दोस्तों आप लोगों को कि बीएसएससी के प्रभार को बीपीएससी को सौंप देना चाहिए, तो आप इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, और दूसरे यूट्यूबर भी हमारे वीडियो पे को के नज़र में जाता ही हैं, आप लोग और इसको बेहतर तरीके से फैला सकते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर इस बात को फैलाएँ। इस वीडियो में इतना ही, बात अच्छी लग रही हो तो ग्रुपों में शेयर करें। धन्यवाद।